फ्री बिजली के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? वो मुफ्त का खाने की आदत नहीं है हमको, मेहनत का खाते हैं हम लोग, मेहनत का है। हाँ, फ्री का नहीं खाएंगे। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? वही सक्सेस है। और भी पार्टियां मैदान में है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो सब दिखावे वाले हैं, शो करने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने तो आज बोल दिया मैं जादूगर हूँ, मैं लोगों के दिल जीतना जानता हूँ, केजरीवाल ने कहा। डोंगी बाबा को मिला होगा वो, डोंगी बाबा, हाँ कोई डोंगी बाबा को मिला होगा वो भी। केम शो गुजरात, जैसे कि अब गुजरात विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और लगातार पूरे गुजरात प्रदेश में हम लोगों से उनका ओपिनियन जान रहे हैं कि इस बार आखिरकार पब्लिक क्या चाहती है, कि किसकी सरकार गुजरात चुनाव में आए, और इसको लेकर अब राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा अपना अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से लोगों के दिल में जगह बनाई जाए। इस समय हम मौजूद हैं अहमदाबाद के बस स्टैंड पर, और आइए यहां पर लोगों से अब उनका मूड जानेंगे कि आखिरकार उनका मूड इस बार क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार ही आएगी, भाजपा आएगी। अच्छा, भाजपा क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए, अच्छा काम करती है ना, काम बुरा का, अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही होगा ना। केजरीवाल बोल रहे हैं मैं जादूगर हूँ, मैं लोगों का दिल। केजरीवाल गमे थे बोला कि नहीं जाओ, केजरीवाल तो खो इज्जत से भाजपा जाओ से भाजपा। हाँ हाँ, हो टका जी। मैम आपका क्या नाम है? अंकिता मैम। अंकिता जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी इस बार गुजरात? तो भाजपा ही आएगी, सब मोदी के पीछे। अच्छा, ऐसा क्या है कि सब मोदी जी के साथ जो है चल रहे हैं? अबे क्या, सब ऐसे काम करते हैं इतना आएगी। आम आदमी पार्टी काफी कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जादूगर हूँ, मुझ पे एक बार भरोसा जो है जताइए। वो तो अभी सब चलता है ना, कोई नहीं इसमें, ऐसा ही है। ठीक है ठीक है ठीक है मैम जी। आपका क्या नाम है? रमेश भाई सतवारा। किसकी सरकार आ रही है इस बार? भाजपा की सरकार आ रही है अभी। अच्छा, भाजपा की सरकार आ रही है, ऐसा क्यों? क्यों आनी चाहिए भाजपा? उसने काम अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है उसने, और उसका प्रचार भी बहुत जोर शोर से होता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है काम कुछ नहीं हुआ है गुजरात के अंदर। काम कुछ नहीं है, वो पब्लिक देख रही है न, काम तो हुआ है, वो पब्लिक कम दिखती है पब्लिक को। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जादूगर हूँ, पहले उन्होंने कहा मैं भगवान, पहले उन्होंने कहा मेरे को भगवान ने भेजा है, फिर कभी कहते हैं मेरे नेता भगत सिंह है, अब कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ। उसकी सरकार भी आए भी तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, वो भाजपा तो आने वाली है अभी, भाजपा आने वाली। हाँ ठीक है ठीक है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा चौहान शैलेश। कहाँ के रहने वाले? यहाँ अहमदाबाद का हूँ। अहमदाबाद के रहने वाले, क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार आएगी? बस भाजपा सरकार ही आएगी लगता है। बस भाजपा? हाँ क्यों, लेकिन हर बार भाजपा सरकार ही आती है, काफ़ी टाइम से भाजपा सरकार ही आएगी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 27 साल से यहाँ भाजपा सरकार है, तो अभी भी ऐसा क्या है भाजपा सरकार में जो लोग अभी भी उनके साथ हैं? जी मोदी जी कहते हैं ना कि गुजरात में पूरा विकास हो रहा है, सब वही देख रहे हैं। यानी कि आपको विकास दिख रहा है? हाँ विकास दिख रहा है। विपक्ष तो कहता है काम ही कुछ नहीं हुआ, महंगाई के मुद्दे पर घेरता है, रोजगार के मुद्दे पर घेरता है। नहीं, सब पब्लिक भी देखती है कि इस इतने टाइम में जो कुछ नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया हुआ है विकास, ठीक है, तो विकास को तो अपने को दिखता ही है। अच्छा, इसी बीच अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया है, वो कभी कहते हैं मेरे को भगवान ने भेजा है, कभी सरदार पटेल के साथ जोड़ते हैं, अब वो कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, मैं दिल जीतना जानता हूँ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, सबको जिस तरह से जो लोग जिस तरह से जन्म लेते हैं बरोबर उसी तरह से उसने भी जन्म लिया हुआ है, कोई भगवान किसी को भेजता नहीं है, ठीक है, वो तो गलत बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कुल 182 सीटें हैं कुल, एक अनुमानित आंकड़ा कि भाजपा को इतनी आ सकती है, कांग्रेस इतनी, आम आदमी पार्टी? वो तो जब होगा जो रिजल्ट आएगा वही टाइम पर पता सबको चलेगा कि कौन सी कितनी सीटें आती है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद सर जी। क्या नाम है आपका? रवि पारेख। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद से। किसकी सरकार आ रही है इस बार? अभी तो भाजपा ही आने वाली है। अच्छा भाजपा आने वाली है, बताइए जनता को भाजपा क्यों आनी चाहिए? ओ अहमदाबाद के लिए और गुजरात के लिए सबसे बेस्ट वही है, आप और किसी को और कहीं नहीं चाहिए, हमको भाजपा ही चाहिए ओनली। अच्छा, आपने आपका जिक्र किया कि आप नहीं चाहिए, आपके जो नेता हैं मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनका स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, मैं लोगों के दिल जीतना चाहता हूँ। घर पे रहे हो, अन्ना हजारे के साथ था पहले, क्या किया था उसने, लाफा मारा था, वो चला गया था, क्यों एक बार रिटायर हो गया, तीन चार बार। जनता जो है भरोसा नहीं जताएगी? नहीं, ओनली मोदी। वो तो कह रहे हैं फ्री बिजली भी,
कुछ देने वाला नहीं है, अभी तो बंद कर दिया दिल्ली में बिजली का। हाँ, वो सब्सिडी देना बंद कर दिया। हाँ, तो सब बंद हो गया। आएंगे भाई बाद में, धन धन गोपाल हो जाएंगे सब। धन गोपाल हो जाएंगे। यस, ठीक है जी। सर आपका क्या नाम है? प्रियकांत। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। किसकी सरकार आ रही है इस बार गुजरात में? बीजेपी। बीजेपी, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? वही सक्सेस है। और भी पार्टी मैदान में है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो सब दिखावा वाले हैं, शो करने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने तो आज बोल दिया मैं जादूगर हूँ, मैं लोगों के दिल जीतना जानता हूँ, केजरीवाल ने कहा। डोंगी बाबा को मिला होगा वो? डोंगी बाबा? हाँ, कोई डोंगी बाबा को मिला होगा वो भी, और क्या। अलग अलग बयान आते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है, पहले कहते थे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने पर कि ये क्यों बना दिया, अब तो उनके नेता कह रहे हैं हम सरदार पटेल के वंशज हैं। ये तो पटेलों को देखना चाहिए, हदर को, कि पटेल को मेन देखना चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया तो उनको तो गर्व होना चाहिए ना, तो वो क्यों जोड़ते हैं उसके अंदर। जी आपका क्या नाम है? शेख मोहम्मद यूसुफ। शेख मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। किसकी सरकार इस बार? इस बार केजरीवाल। इस बार केजरीवाल, अच्छा ऐसा क्यों? केजरीवाल क्यों? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कहाँ पे देखे आपने उनके अच्छे? दिल्ली में, पंजाब में। जैसे एग्जांपल बताइए जरा जनता को, कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? लाइट का बिल कम कराए। वापस ले लिया? वापस ले लिया, क्यों? वो तो आप केजरीवाल से पूछो क्यों लिया वापस, वो 2020 में वादा किया, खबर नहीं मिली? नहीं मिली। तभी तो मना कर रहे हैं हम, वो खाली झूठा दिखावा है भाई। 1 लाख रुपए एक माजी का बिल दिखा है मेरे को, न्यूज़ में मैंने दिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए, 1 साल के बाद वो माजी को 1 लाख का बिल आया, कहाँ से भुगतेगी वो? जो 5,000 का बिल आती थी उसको 1 लाख का बिल आ चुका है। वो रोते कितने रोते वहाँ, सिर्फ 200 यूनिट तक फ्री था, और जो इंडस्ट्रीज का या बाकी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल थे वो सब डबल ट्रिपल रेट कर दिए हैं दिल्ली में। वो सिर्फ बोलते हैं फ्री बिजली, फ्री बिजली है नहीं ऐसा कुछ। मोदी से कोई फायदा नहीं है, महंगाड़ी है। उसको पता है मोदी क्या है चीज, जो खेडू दादा उसको पता है मोदी क्या है। अब इन्होंने इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया कि महंगाई है, आप क्या कहेंगे? तो है, अपन सामने फैसिलिटी भी उतनी मिल रही है, सामने फैसिलिटी भी उतनी मिल रही है अपने को, जो पहले की सरकार थी कांग्रेस तब देखो एसटी की हालत, अभी की मोदी की हालत है तो उसकी हालत देखो। अब आप आएगा तो पूरा झाड़ू लेके साफ करने वाली आएगी ना, झाड़ू लेके साफ। यस, क्या नाम है आपका? परमाप्रति। कहाँ के रहने वाले? इधर के ही। अच्छा, यहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजप सरकार। अच्छा, भाजप सरकार। भाजप सरकार क्यों चाहिए? ये पहले का देख लो, अभी का देख लो। खुशी आ गई आपके चेहरे जी। आपका क्या नाम है सर? भद्रेश। भद्रेश जी कहाँ के रहने वाले? अहमदाबाद के। अहमदाबाद के, क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार लग रही है? कांग्रेस ने 7 साल में इतना कीचड़ किया है तो अभी और 50 साल तक सिर्फ कमल ही खिलेगा उसमें। वाह, कांग्रेस के 60 साल में कीचड़ बना और अब उस पर कमल खिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? 50 साल तक खिलता ही रहेगा वो, क्योंकि इतना सारा कीचड़ जो हो गया है ना उसमें सिर्फ कमल ही खिलता है, बाकी कोई फूल नहीं खिलेगा। झाड़ू भी आया इस बार दिल्ली से? झाड़ू तो वो सिर्फ कमल के नीचे जो उठाते हैं ना, उसके बाद जो काम कचरा साफ करने के लिए होता है ना, सिर्फ उसके लिए ही होता है। आज केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं मैं तो जादूगर हूँ, मैं लोगों के दिल जीतना जानता हूँ। वो जादूगरी है, लोगों का दिल जीतना जान सकता है, बराबर है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो सबके दिल में बसे हुए हैं, यानी कि कमल सिवा कुछ भी नहीं खिलेगा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? कभी वो केजरीवाल, आज उन्होंने कह दिया जादूगर हूँ, कभी कहते हैं मेरे को भगवान ने भेजा है, कभी कहते हैं हमारे सब विधायक स्वतंत्रता सेनानी हैं, कभी भगत सिंह कह देते हैं उनको, ये कैसे देख रहे हैं इस राजनीति? वो सिर्फ एक झूठा इंसान है, बराबर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, लगातार विपक्ष की तरफ से गुजरात में अगर कहा जाए तो महंगाई के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर घेरा जाता है कि ये दो अहम मुद्दे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो देखने जाओ तो पूरे वर्ल्ड में 92 कंट्री जो अभी है, जो उसके हाल में अभी इंडिया बहुत बेहतर स्टेज पे खड़ा है, जीडीपी में अच्छा ग्रोथ। हाँ जी, तो 92 देश के हिसाब से देखने जाओ तो इंडिया अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका भी अपने पीछे है। ब्रिटेन की पीएम ने तो इस्तीफा दे दिया इकोनॉमिक क्राइसिस के। हाँ, तो अभी गुजरात ही आया ना, वो भी कुछ करेगा, अच्छा बढ़िया। ऋषि सुनक भारत के ही हैं, इंडियन ओरिजिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो एक आखिरी सवाल, कुल 182 सीटें हैं, क्या लग रहा है, क्या समीकरण, अनुमानित आंकड़ा क्या बैठ सकता है भाजपा इतना, कांग्रेस इतना, आम आदमी पार्टी? 160+ आएगा भाजपा। 160+। हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल तो कह रहे थे बहुमत से मैं आऊँगा, 90-100 सीटें। कभी नहीं आ सकता,
दिल्ली में सबकी हालत देख के दिल्ली वाले भी अब उसको मत नहीं देने वाले। एमसीडी इलेक्शन आने वाला है दिल्ली में, उसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। सही बात है। ठीक है जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। गुजरात के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? गुजरात में तो भाजपा ही बनेगी। भाजपा का नाम लेके चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट आई है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में। पूरे गुजरात में काम हुआ है। विपक्ष तो कहता है काम ही कुछ नहीं हुआ है गुजरात के अंदर। हुआ है, सबका नजरिया अलग अलग है देखने का। किसी को महंगाई ज़्यादा पड़ रही है तो कोई बोलता है महंगाई अच्छी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे विपक्ष को कि किस नज़रिए से देखें इस बार जो गुजरात चुनाव, विकास को कैसे देखें? वो तो कह रहे हैं विकास ही कुछ नहीं। विकास है लेकिन सब लोग इसलिए मना कर रहे हैं कि विकास नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ाएंगे तो ही सरकार पैसा लगाएगी ना, हमारे से वसूल करके ही वो लोग लगाएंगे ना, बाकी कहाँ से लगाएंगे। अच्छा, नहीं जाएंगे। फ्री बिजली के मुद्दे पर क्या कहेंगे? वो मुफ्त का खाने की आदत नहीं है उनको, मेहनत का खाते हैं हम लोग। मेहनत का? हाँ, फ्री का नहीं खाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। किसकी सरकार बन रही है? वो तो बनेगी, जो जीतेगा उसी की सरकार। अभी क्या लग रहा है? बीजेपी की बनेगी। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है बीजेपी सरकार आनी चाहिए? उसी की चलती है तो उसी की जीती होगी। अच्छा, बाकी पार्टियां भी मैदान में हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो तो सब लड़ेंगे लेकिन जीत तो वही है जो जिसकी है वही। यानी कि विकास के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि भाजपा विकास के। जी सर, आपका क्या नाम? जयेंद्र भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा भी आने वाला है। अच्छा, क्यों भाजपा क्यों लेके? उसकी वधूमती उसी की है, मोदी का राज है, मोदी का सिंबल है, इसके हिसाब से वही आने वाला है। अच्छा, बाकी पार्टी भी, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो जादूगर हूँ, मैं लोगों के दिल जीतूंगा इस बार। अच्छी बात है, अगर जो आ जाओ तो अच्छी बात है। जी सर, क्या नाम है आपका? सुनीलाल। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी यहाँ? किसकी बनेगी वो तो ऊपर वाला जाने, पर आपकी बननी चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। बननी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? ये भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकलते, इसलिए परेशानी तो है इन लोगों को। एक तरफ आम आदमी पार्टी पर भी संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके भी एक एक करके नेता अंदर जा रहे हैं। लगाते हैं, कोई नेता गया नहीं, एक ही नेता गया, वो उसने वही पार्टी ने भेजा है, वही पार्टी ने भेजा, बाकी कोई नहीं। आम आदमी पार्टी ने भेजा। कौन सा गया नेता? सत्येंद्र जैन गया, उनके दो नेता दोषी करार हो चुके हैं दंगा भड़काने के आरोप में, उनको भी रोज कोर्ट एवेन्यू सजा देगी। मैं भ्रष्टाचार में नहीं, वो पहला समझो, पहला भ्रष्टाचार के उनके सीबीआई तो इंक्वायरी चल रही है, बाकी नेता तो सब पे करते, मेरे में तुम्हें भी करेगी, कल मेरा पे आएगा, ये जाहिर होगा तो मेरे पे भी आएगा, तो काम ही वही है ना भाजपा का, और कुछ नहीं। यानी कि ये भाजपा करवा रही है सब? हाँ, सही है, दिखता है सामने ही। ठीक है।